हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड सर्वित राजपूत एक बार फिर से आ गया आपके साथ एक नई जानकारी साझा करने के लिए। और आज मैं जो प्लांट सिलेक्ट किया, बेहद ही खूबसूरत प्लांट है और इसमें इसका फूल आप देखते हैं कितना खूबसूरत है, बिल्कुल फुटबॉल की तरह। इसीलिए इसका नाम है फुटबॉल लिली। फुटबॉल लिली के साथ ही साथ इसे ब्लड फ्लावर भी बोला जाता है, पॉइजन रूट भी बोला जाता है और ब्लड लिली बोला जाता है, पाउडर पफ लिली भी बोला जाता है। तो अलग अलग रीजन में इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। जिसका साइंटिफिक सैडोस्कस मल्टीफ्लोरस, तो मल्टीफ्लोरस ऐसी इसको इसीलिए बोलते हैं, ये एक फूल नहीं, ये काफ़ी फूलों का बंच है पूरा। या फिर अगर इसे आप एक फूल समझ रहे हैं तो ये फूल आप इसे नहीं बोल सकते, इसमें काफ़ी ज़्यादा फूलों का एक बंच बोल सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा, इसमें आपको थोड़ा करीब जाता हूँ मैं, आपको दिख रहा हो काफ़ी ज़्यादा इसमें फ्लावर्स निकले हुए हैं कि एक ही फूल के अंदर से काफ़ी, मतलब कि फ्लावरिंग जो बड बनता है वो एक ही बनता है लेकिन उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फूल भरे होते हैं, इसीलिए शायद इसे मल्टीफ्लोरस भी बोला जाता है। इसे मैंने बल्ब के थ्रू ग्रो किया हुआ था और मैंने इसे प्लास्टिक के बैग में इसे ग्रो कर दिया था और मैंने दो बल्ब लगाए हुए थे इसमें, जिसमें से एक बल्ब बड़े साइज का था और दूसरा बल्ब छोटे के साइज का था। तो जो बड़े साइज का बल्ब था उसने में फ्लावरिंग स्टेम तो निकला है, लेकिन जो बगल में आपको दिखाता हूं मैं, छोटे साइज का जो बल्ब था इसमें फ्लावरिंग स्टेम ना निकल करके सिर्फ एक पत्ती वाली स्टेम निकली हुई है। तो ये लिली जितने भी होते हैं, चाहिए एमरेंथस हो, रेन लिली हो या फिर ये फुटबॉल लिली हो, थोड़ी सी इसमें ये होता है कॉमन चीज़ है कि अगर आपका बल्ब मिच्योर है तभी आपको उसी सीजन में फ्लावरिंग बल्ब, मतलब फ्लावरिंग बड मिलेगा, फ्लावरिंग स्टेम मिलेगी, क्योंकि इसमें जो फ्लावरिंग होती है वो होती है स्टेम में। तो अगर आप सिर्फ इसमें ही नहीं, मैं दिखाता हूँ अभी आपको अपने एमरेंथस के प्लांट में, दिखाता हूँ आपको मैं थोड़ा सा डिफरेंस इसमें समझ में आ जाएगा आपको। कल आप यहाँ भी देख सकते हैं कि आपको दिख ही रहा होगा डिफरेंस, ये छोटा बल्ब था इस साइज का, तो छोटे बल्ब में जो है छोटा प्लांट निकला और बड़े बल्ब में बड़ा प्लांट निकला। तो कभी भी आप लिली के कोई भी लिली हो, एमरेंथस हो, रेन लिली हो या फिर फुटबॉल लिली हो, तो अगर आप उनके बल्ब परचेज करने जाते हैं तो बल्ब आप बड़े साइज़ के, जितना बड़े साइज़ का ले सकते हैं उतने बड़े साइज़ का लें, हेल्दी लें, कटा खटा बल्ब ना हो, क्योंकि अगर आपका बल्ब कटा खटा होगा या फिर हेल्दी नहीं होगा तो आपको उस सीजन में आपको फ्लावर नहीं मिल पाएगा, आपको वेट करना पड़ेगा लगभग एक साल का। आप देख सकते हैं कि मेरा ये एमरेंथस लिली का प्लांट है और इसमें सिर्फ पत्तियाँ निकली हुई हैं, जबकि उसी सॉइल मीडिया में, ग्राउंड में ही मैंने दूसरा बल्ब लगाया हुआ था जिसमें फ्लावरिंग स्टेम भी निकली हुई थी, फ्लावर भी आते थे जो कि अब खत्म हो चुके हैं, उसके बाद इसमें पत्तियाँ निकलना शुरू हुई। आपके बगल में देखिए आप, इसमें सिर्फ अभी पत्तियाँ निकलना शुरू हुई हैं। तो ये उसका बल्ब का साइज कैसा है, मेच्योर है या नहीं है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका प्लांट फ्लावर देगा या फिर सिर्फ पत्तियाँ देगा। तो सेम प्रोसेस जो है उसके साथ, जो हमारा फुटबॉल लिली लिली के जितने प्लांट होते हैं उनमें सेम सब में ये होता है कि बल्ब के साइज पर डिपेंड करता है कि फ्लावर देगा या पत्तियाँ देगा। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको बल्ब बड़े साइज़ का लेने का क्या फ़ायदा मिलने वाला है। और अगर बात करें इसके, मतलब कि सॉइल मीडिया की, मैंने इसमें कौन सा सॉइल मीडिया यूज़ किया हुआ, तो आपको मेरा रजनीगंधा वाला वीडियो याद होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसके नीचे वीडियो का लिंक दे दूँगा। मैंने रजनीगंधा पे दो वीडियो बनाए हुए थे, तो दोनों का लिंक मैं नीचे दे दूँगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं कि सॉइल मीडिया आपको कैसा रखना है। आप अगर बात करें इसमें थोड़ा सा अलग करने की, तो अगर मान लीजिए आपने छोटा बल्ब परचेज कर लिया है और आपके बल्ब में से ये वाला बल्ब है, अब इसमें जो है फ्लावर नहीं आएगा इस साल तो नहीं आएगा, तो इसका करना क्या है, तो आपको करना क्या होता है कि आपको इसको अच्छे से खुराक देनी होती है फास्फोरस की, क्योंकि फास्फोरस जो होता है वो रूट सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करता है। और बल्ब वाले जितने भी प्लांट होते हैं, बल्ब वाले या फिर ट्यूबर्स वाले प्लांट, मैंने अपने बोन मील के वीडियो में बताया था कि अगर आप कोई भी प्लांट हो रूट, मतलब कि अगर वो बल्ब डेवलप करता है या फिर वो ट्यूबर्स डेवलप करता है या फिर जैसे कि गाजर और मूली होते हैं उन तरह की स्टेम जिनकी रूट्स बनती हैं, तो उसमें आप अगर आप देते हैं बोन मील देते हैं या फिर डीएपी देते हैं, डीएपी कुछ दाने देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके जो बल्ब पे जो है उसका फ़र्क मिलता है। तो नेक्स्ट सीजन में, इस सीजन में अगर आप छोटा बल्ब ले भी आते हैं तो नेक्स्ट सीजन में आपको अच्छे से उसमें फ्लावरिंग स्टेम मिल जाएगी। एक फ्लावरिंग बल्ब से सिर्फ आपको एक साल में एक ही फ्लावरिंग स्टेम मिलेगा, मतलब एक बल्ब से आपको सिर्फ एक साल में सिर्फ और सिर्फ एक फ्लावर मिलेगा। हाँ, आपका बल्ब एक, मतलब कई सालों तक चलता रह सकता है, आप अगर एक बार बल्ब लगा देते हैं और आपके यहाँ का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे नहीं आता है, तो आपको बिना कुछ किए, आपको पॉट में कुछ नहीं करना है, आप एक बार बल्ब लगा दीजिए, आपको हर साल उसी पॉट में से, आपको हो सकता है कि कुछ सालों के बाद आपको निकालना पड़े उसमें से जो एक्स्ट्रा बल्ब है उसको निकालना पड़े, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से अगर आप इनको प्रॉपर कंडीशन देते हैं, प्रॉपर इनको फास्फोरस की देते हैं और अदर कंपोनेंट्स देते हैं, आप मिनरल्स वगैरह देते हैं, तो आप बल्ब जो है काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ होते हैं अंदर, तो हो सकता है कि आपको दो या तीन साल के बाद आपको फिर से निकाल करके जो एक्स्ट्रा बल्ब हैं उनको निकाल के अलग करना होगा। लेकिन अगर आपके यहाँ प्रॉपर कंडीशन है, टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे नहीं आता, तो बिना कुछ किए आपको एक बल्ब कई साल तक फ्लावर देगा। चूँकि ये प्लांट
बल्ब से ग्रो किया जाता है, तो इसको जो सॉइल मीडिया चाहिए होता है थोड़ा सा सॉफ्ट चाहिए होता है, जिसके अंदर आसानी से बल्ब ग्रो कर सके अपने आप को। ज़्यादा आपको मॉइस्चर इसके मतलब कि मॉइस्चर आपको देना होता है अपने सॉइल मीडिया को, आप देख सकते हैं इसमें मॉइस्चर तो आपको दिखेगा, लेकिन आपकी में जो मैं इसमें सॉइल मीडिया मैंने यूज किया हुआ है, मैं बल्ब के लिए ऐसा सॉइल मीडिया यूज करता हूँ, इसमें मॉइस्चर तो रहे लेकिन आपकी सॉइल कभी भी सौगी ना होने पाए। अब चाहिए मेरा ये मीडिया हो या फिर दिखाता हूँ आपको मैं, ये मेरा ये रहा, आप देख सकते हैं ये मेरा रजनीगंधा वाला है। इसमें आप सॉइल हमेशा आपको ऐसी रखनी होती है कि जो बिल्कुल एकदम ब्रेक हो जाए, इसके अंदर आसानी से रूट जो है डेवलप हो, पानी आप डालें तो पानी रुके ना बिल्कुल भी, फट से ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए, सॉइल आपकी मॉइस्ट बनी रहे। आप जैसे मतलब आपको लगता है कि आपकी सॉइल गर्मी क्योंकि गर्मी इसमें काफ़ी ज़्यादा है, तो गर्मियों में हो सकता है आपको लगे कि आपकी सॉइल डेली ड्राई हो जाए, तो आपको डेली वाटरिंग कर सकते हैं, लेकिन ठंडियों में आपको थोड़ा सा वाटरिंग इसे कम करनी होगी क्योंकि ठंडियों में इतनी जल्दी सॉइल आपकी ड्राई होती नहीं है। बाकी अगर आप मतलब कि सॉइल मीडिया ऐसा रखते हैं जो कि सॉफ्ट होगा और थोड़ा सा ड्रेनेज का अच्छा होगा, तो आप पानी देंगे तो फट से पानी ड्रेनेज होल से बाहर निकल, इसमें ड्रेनेज होला ही नहीं, इसमें तो सारे साइडों से पानी निकल जाता है जो एक्स्ट्रा पानी होता है, तो इसमें एक्स्ट्रा पानी फिलहाल बिल्कुल खतरा नहीं होने पाता। हाँ, पॉट में क्या होता है कि ड्रेनेज होल सिर्फ एक पानी निकलने का रास्ता एक ही होता है ड्रेनेज होल, तो वहाँ से अगर आप पानी देते हैं तो एक्स्ट्रा पानी फट से ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाता है। तो पानी आपको ऐसा देना है कि आपकी सॉइल जो आपको ड्राई फील हो लगे, मॉइस्चर आप बिल्कुल ख़त्म ना होने दें इसमें सॉइल का। अगर लाइट एंड लोकेशन की बात की जाए तो आपको फुटबॉल लिली को ऐसी जगह पे लोकेट करना होगा जहाँ पे मॉर्निंग की सनलाइट जो है मिल जाए इसको प्रॉपर, दोपहर की सनलाइट आपको थोड़ी सी बचानी होगी क्योंकि गर्मियों के महीने में फ्लावरिंग देता है, तो फ्लावर इतने सॉफ्ट होते हैं तो दोपहर की सनलाइट अगर आप देते हैं तो उतना सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए जब ये पॉट में होगा। तो हाँ, इनके लगाने की बात अगर की जाए तो आपको लगाना होता है इन्हें लगभग फरवरी एंड में, जब आपके यहाँ के टेम्परेचर नॉर्मल होने लगे, आपके अगर फ्रीजिंग पॉइंट पर टेम्परेचर चला आता है तो उस टाइम इसे ना लगाएं, जब आपके यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल होने लगे इसलिए फरवरी एंड से मार्च के स्टार्टिंग के बीच में आप इसे लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बगल में बेल आइकन बनाकर दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।